हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वी लव फॉर्च्यून डबल वन डबल वन कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस सो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि 48 एट आवर्स के लिए मैं कलेक्टिव रीडिंग करूं तो आप लोगों के लिए हाजिर है तो आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 एट आवर्स में आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है ओके Uh, आपके लिए क्या रहने वाली है और आपकी उनके लिए क्या रहने वाली है ये सब हम देखेंगे ये टाइमलेस चैनल रीडिंग है आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो मेल फीमेल दोनों ही इसे आप लोग देख सकते हो और गाइज मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ ये मैरिड सेपरेटेड सिंगल सबके लिए है तो आप लोग सब लोग इसे देख सकते हो सेम जेंडर रिलेशनशिप वाले भी इसे आप देख सकते हो ठीक है काइंडली uh, इंट्रोडक्शन को आप लोग जो है वो फॉरवर्ड ना करो एक बार आप लोग सुन लीजिए बिकॉज कमेंट सेक्शन में आते हैं कि मैम क्या ये ऐसे लोगों के लिए है क्या ये वैसे लोगों के लिए है ये आप सबके लिए है गाइस ओके okay? मैं आप सबके लिए बनाती हूँ ठीक है तो चलिए देखते हैं अब बिना किसी देरी के कि आपके पर्सन के नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपकी क्या रहेंगी और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बाकी चीज़ों की सो so, जब तक मैं शफलिंग करी हूँ आप लोग तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बना के रखें जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले हम आपके पर्सन के फीलिंग्स देखेंगे उसके बाद आप हम आपके देखेंगे ओके okay? और मैसेज देखने की भी कोशिश करेंगे हम चलिए देखते हैं इन ऑफ स्वर्ट्स ये सारे साइंस वालों के लिए गाइज एयर साइन फायर साइन अर्थ साइन वॉटर साइन ठीक है फिर है टू ऑफ पेंटिकल एस ऑफ स्व और भी देखते हैं हम दोफेट nine of wands और भी कार्ड देखेंगे हम नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ वोंड्स ओके सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है वैसे मैं एक बार बता दूं यहाँ पर सारे साइन से आ चुके हैं ठीक है थीके? वैसे भी और क्योंकि सारे साइंस वालों के लिए हो भी रहा है ये रीडिंग तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशंस दिख रहे हैं बहुत सारे फीलिंग्स दिख रही हैं तो मैं वन बाय वन आप लोगों को बता रही हूँ ओके okay? तो सबसे पहला चीज़ दिख रहा है मुझे आपके पर्सन की देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप जबरदस्ती के आ, मत ले लीजिएगा ठीक है क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग फीलिंग्स हो सकते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ उनमें से जो आपको लग रहा है आप उसे ले सकते हो ठीक है ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा ठीक है टेंशन में मत आइएगा तो मैं वन बाई वन बता रही हूँ ओके तो सबसे पहला चीज जो मुझे दिख रहा है द नाइन ऑफ सॉज एंड द हेरोफेंट ये दिख रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है आप दोनों के डिफरेंसेस को लेकर आप दोनों की दूरिया को लेकर आप दोनों के बीच के जो ईगो है आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं चाहे एज डिफरेंस है कल्चर डिफरेंस है या इस पर्सन की डोमिनेटिंग एनर्जी है या कुछ भी है उन सारे डिफरेंसेस को लेकर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं नेक्स्ट फोर्टी ने तो आवर्स में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं ठीक है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ जो भी दूरियाँ आप दोनों के बीच में बनी या अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन है लेकिन डिफ्रेंसेज बहुत हैं फैमिली डिफरेंसेस हैं फैमिली नहीं मानती फैमिली डोमिनेटिंग है ये आप दोनों के नहीं बनती ठीक है तो वो सारी चीज़ों को लेकर आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा टेंशन परेशान होने वाले हैं मुझे ये चीज़ दिख रहा है उनके अंदर बहुत सारे ख्याल आने वाले हैं बहुत सारे थॉट्स आने वाले हैं नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा एनशियस होने वाले हैं विद द नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स ओके दूसरा मुझे फीलिंग ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी ऐसे फीलिंग्स रहेगी हो सकता है कि पास में उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज था और हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या फिर अपने बातों से पीछे हट रहे थे तो उस चीज़ को भी लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा अफसोस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं बहुत ज़्यादा एनशियस एंड स्ट्रेस्ड आउट होने वाले हैं बिकॉज इन्हें ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया और अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया तो उस चीज़ पर ये क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं क्या वो इन्हें इनफ नहीं है या फिर आ, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ पावर नहीं है आप दोनों के रिश्ते को चलाने की तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं तीसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली में शादी वगैरह की बात चल रही हो आपके पर्सन के साथ ठीक है मतलब आपके पर्सन के लिए रिश्ता वगैरह आ रहे हूँ या शादी की बात कर रहे हूँ और नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा जिनके जिनको जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है जिनको ऑलरेडी पता है कि हाँ हमारे पर्सन के फैमिली वाले कहीं और फिक्स करवा रहे हैं या कराना चाहते हैं वो कहीं कर रहे हैं उनके लिए बस बता रही हूँ ठीक है तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि फैमिली वाले शादी वगैरह को लेकर बात कर सकते हैं नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके पर्सन के साथ एंड उस चीज को लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं क्योंकि हो सकता है कि उनका मन नहीं है या फिर वो अपने फैमिली के खिलाफ कुछ एक्शन या स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है तीन तरह के फीलिंग्स मुझे दिख रहे हैं जो अलग अलग लोगों में हो सकते हैं ठीक है फिर मुझे दिख रहा है विद विदर टू ऑफ पेंडिकल्स नाइन ऑफ वॉन्स ये जो इंसान है डेफिनेटली जगलिंग मोड पर ही रहेंगे नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ठीक है हालांकि आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को जो चीज़ मुझे दिख रही है बट अभी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है कन्फ्यूज तो नहीं रहेंगे लेकिन हाँ जगलिंग करेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि लाइफ में बैलेंस की कमी है लाइफ में मैं अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा गार्डेड ऑफ ये रहेंगे इंसान ठीक है बहुत ज़्यादा किसी से नाम मिलना आना चीज़ों को बताना आना एक्सप्रेस करना ठीक है तो बहुत ज़्यादा अपने में ये रहना रहना चाहेंगे नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में बिकॉज इनको कंक्लूजनस नहीं मिल रहा होगा ये ढूंढ रहे होंगे इनको बैलेंस नहीं मिल मिल पा रहा होगा जो चीज़ों को एक साथ हैंडल करना चाह रहे होंगे वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होंगे तो उसी दुविधा में ये इंसान जो है फंसे हुए रह सकते हैं कुछ किस तरीके के इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर आएगी नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में आपको लेकर ये इनसिक्योर हो सकते हैं हालाँकि आपसे अपनी चीज़ों को ना बोले आपको कमिटमेंट ना दे आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस ना करें लेकिन उनकी नज़रें आप पर ही रहेंगी नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में हो सकता है आपको देखकर उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में हो सकता है आपकी कोई पोस्ट देख ले वो आपकी पिक्चर्स देख लें या आपके बारे में ऐसा कोई थॉट आ जाए जो उनकी इनसिक्योरिटी उनका पॉजिटिवनेस आपके लिए बढ़ा दे विद डेज ऑफ वर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके लिए इमोशनली फील करेंगे और आपके तरफ आना भी चाहेंगे नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के यहाँ पर कम्युनिकेशन आ, आ सकती है इस पर्सन का कॉल मैसेज या कम्युनिकेशन इनका इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है कैसे भी हो क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स है ठीक है तो किसी किसी अगेन पेज ऑफ वॉन्ट्स वाओ अगेन एट ऑफ ओ माई गुडनेस अगेन द मजिशियन ग्रेट ओके सो so डेफ़िनेटली मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में बहुत के पर्सन ऐसे होंगे जो आपसे कम्युनिकेट करेंगे ठीक है क्योंकि ये परेशान रहेंगे ये बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गार्डेड ऑफ रहेंगे तो किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का कम्युनिकेशन आएगा ये पर्सन अपने दिल की बात आपको कहेंगे क्योंकि ये जो इंसान है ये आपकी तरफ कुछ डिसीजन तो लेना चाहते हैं हालाँकि हो सकता है कि आपको प्रॉपर्ली कमिटमेंट ना दें या आपके साथ कुछ प्रोसीड ना करें लेकिन नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में ये अपने दिल की बात आपको ज़रूर कहेंगे और ये मुझे दिख रहा है फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है तो यहाँ पर अगेन कमेंट सेक्शन में आप लोग मत आइएगा कि मैम हमारा तो कॉल मैसेज नहीं आया हमारा कम्युनिकेशन नहीं आया ठीक है तो क्योंकि सबके अलग अलग होंगे जैसे मैं बता रही हूँ फिफ्टी परसेंट लोगों के गारंटीड हैं कॉल मैसेज आएगा कम्युनिकेशन आपका नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके पर्सन के साथ होगा और कम्युनिकेशन होगा तो आपके जो पर्सन है वो आपसे दिल से बात करेंगे हो सकता है फ्लड भी करें या हो सकता है कि इमोशनली आपसे बात करें लेकिन करेंगे ज़रूर अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे जानकर खुशी होगी ठीक है और बाकी फिफ्टी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अपने में रहेंगे वो आपके लिए इमोशनली फील तो करेंगे आपके तरफ डिसीजन तो लेना चाहेंगे लेकिन हाँ कुछ एक्शंस ये नहीं लेंगे क्योंकि ये अपने फैमिली में अपने लाइफ में स्टक हुए हुए रहेंगे इनको समझ नहीं आ रहा होगा कि बैलेंस किधर से बनाए ठीक है तो ऐसी एनर्जी रहेगी लेकिन हाँ फिफ्टी परसेंट के लिए गारंटीड मैं आपको बता सकती हूँ कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके लिए कि वो क्या फील करते हैं और उनको फ्यूचर में आपके साथ क्या करने की इच्छा है या फिर वो कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो किसी किसी के लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है और ऐसे फीलिंग्स आपके पर्सन की रहेंगी ठीक है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स कैसे रहने वाले नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके पर्सन को लेकर और ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत टेंस रहने वाले हैं इनको आ, समझ नहीं आ रहा होगा ये बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे फ्यूचर के बारे में कि आपके साथ उनका फ्यूचर और उनका करियर का फ्यूचर क्या होने वाला है तो उसको लेकर चक्र आर्ज यूरियल नंबर फोर्टी एक्शन फौनिकुपिया नंबर इलेवन तो कुछ लोग आप लोग तो यहाँ पर ट्विन फिल्म जर्नी में हो सकते हो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिन हो सकते हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर फोर्टी फाइव वॉकिंग अवे नंबर ट्वेंटी सेवन थर्टी वन डोर टू वैल्यू ओके तो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में गाइस आप लोग जो हो आप लोग बिल्कुल टेंस वगैरह नहीं रहोगे ना आपको किसी तरह की परेशानी आएंगी नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने वाले हो इन द सेंस कि आपके पास क्लैरिटी रहेगा आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में ठीक है बहुत ज़्यादा आप जो हो अपने अगर माइंड में अगर कोई प्रेशर है ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में रिलीज होते हुए मुझे नजर आ रही है ओके बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप जो हो लाइफ में नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में तो डेफिनेटली आगे बढ़ने का सोचोगे ठीक है अगर आप नहीं भी बढ़ रहे हो रुके हुए हो तभी आप आगे बढ़ने का सोचोगे ठीक है यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में हो सकता है कि आप उस पर्सन को कॉल या टेक्स्ट करो फिर आपकी बात हो लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप जो हो अपने करियर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप हो ठीक है और आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंथुजियाजम फील करोगे अपने अंदर और आप आगे बढ़ते रहोगे कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत में नहीं रहेगा कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके अंदर ये मैंटेलिटी आ सकती है कि आपको ऐसा लगे कि इस पर्सन से मुझे मूव ऑन होना है ठीक है या फिर हो सकता है ये पर्सन अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करो ठीक है बट मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इमोशंस तो रहेंगे आपके दिल में ठीक है आप आपके इमोशंस कहीं नहीं जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके पर्सन में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा आप उतना ज़्यादा अटैच नहीं रहोगे नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में आप अपने काम को लेकर अपनी चीज़ों को लेकर अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत सारा बिजी रहोगे और आपको लगेगा कि अब मुझे ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है मुझे अचीवर बनना है तो नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंतजियाज़म भर जाएगा अपने करियर को लेकर अपने फाइनेंस को लेकर ठीक है और हो सकता है कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आप बहुत ज्यादा काम करो बहुत ज़्यादा ठीक है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है ट्रैवल करो या फिर बहुत सारा काम हो एक साथ एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करना हो आपका प्यार वहीं पर रहेगा उस पर्सन के लिए लेकिन उस उस प्यार को मुझे नहीं लग रहा है कि आप उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे या फिर को डिपेंडेंट फील करोगे या फिर ऐसा सोचोगे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपको रीच आउट भी करना चाहेंगे तब भी आपके अंदर वो इमोशंस तो रहेंगे बट आपका वो मन नहीं होगा कि चलो ठीक है अब चीज़ों को ठीक कर लेते हैं अच्छी तरीके से आपका ध्यान कहीं और रहने वाला है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है तो चलिए अब हम आपके पर्सन के कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में उनकी फीलिंग्स और भी क्या रहने वाली है ओके चलिए देख लेते हैं चलिए देखते हैं चलिए तो सबसे पहला है इट्स अ नो फॉर नाउ एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम सो यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में किसी किसी के लिए कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन ना ले बिकॉज जैसे मैंने कहा ये बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे होंगे ठीक है परेशान हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा तो अपना टाइम ये लेंगे ठीक है फिर है तुम्हारे बिना मन कहीं मन नहीं लगता तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं तो डेफिनेटली ये जो इंसान है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में इनका मन कहीं नहीं रहेगा मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे डिफरेंसेस इश्यूज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस रहेंगे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे आपको लेकर ठीक है और आपकी तरफ कोई एक्शन भी नहीं ले पाएंगे किसी किसी के लिए फिफ्टी परसेंट के लिए बट फिफ्टी परसेंट के लिए डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन होगी बातचीत होगी और किसी किसी को हो सकता है कि रिलेशनशिप में रियूनियन हो जाए ठीक है तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की रहेगी फिर आई एम सो मच इन अब्रॉक प्रेशर होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन तो ये मुझे कहीं कही ना कहीं आपके भी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते रहो करते रहो और आपका ध्यान इस पर्सन के कॉल टेक्स्ट पे ना जाए या इस पर्सन के ऊपर ही ना जाए और वाइस वर्सा भी हो सकता है ये सिचुएशन ठीक है फिर है आई एम टॉक्सिक आई एम सेल्फिश बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपको लेकर इनको अच्छी तरीके से आ, इनको ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इन्होंने ही गलत किया आपके साथ ठीक है फिर आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम स्टिल फ्रेड अलेटेड ओके इसमें यहाँ पे नाइन ऑफ हैफ्रेन से ये भी हो सकते हैं कि ये पर्सन जो है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड वो अपने फैमिली से आपको लेकर बात करना चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरेंगे वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएंगे या फिर हो सकता है कि वो नेक्स्ट फोर्ट नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके साथ आपके साथ शादी को लेकर अपने पेरेंट्स से बात करें एंड उनके पेरेंट्स हो सकता है कि मना कर दे या कोई इशू क्रिएट करें जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाए ठीक है ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोगों की शादी फिक्स होने ही वाली है या फिर आपके पर्सन ने कहा है कि वो आपसे शादी करेंगे बहुत जल्द ठीक है तो इन लोगों के लिए भी रेजोट हो सकता है जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है ठीक है तो नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ये सिचुएशन भी हो सकता है फिर है आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू यू बी देयर डेफिनेटली जैसे मैंने कहा नेक्स्ट फोर्टी एट आवर में ये इंसान जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं आपको लेकर हो सकता है कि इनको किसी तरह का जेलसी हो या शक हो या इनको ऐसा लगे कि आपको कोई और देख रहा है या फिर आपको आपके पिक्चर्स वीडियोज कोई और देख रहा है जो नहीं नहीं देखना चाहिए ठीक है तो ऐसी एनर्जी ऐसी जेलसी वाली एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है गाइस सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आएगा पसंद आए रिजिनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं भेज हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस सब तक के लिए बाय बाय